नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है, मैं हूँ आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। दोस्तों, कोटा में बहुत सारे छात्रों का सुसाइड करने का एक मामला सामने आया है, लेकिन इन सभी के बीच में एक ऐसे छात्र की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोटा में स्टडी कर रहा था, लेकिन वो कभी डिप्रेशन में आ गया, लेकिन उसने ट्रैक बदल दिया और आज वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। जी हाँ, कहानी उम्मीद की। हार गया डिप्रेशन जब कोटा छात्र ने नीट की तैयारी छोड़ शुरू किया बिजनेस। दोस्तों, ये ज़िंदगी में हमेशा आप याद रखना कि अगर आप जो बनना चाहते हैं, अगर आप किसी कारणवश वो नहीं बन पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी के सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, या IAS IPS जो भी आप बनना चाहते हैं नहीं बन पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हो सकता है कि आपको ज़िंदगी कुछ और मौका देना चाहती है, आपसे कुछ और करवाना चाहती है। इसलिए हारने, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, मैदान में जब दो शेर लड़ते हैं तो ऐसा ये नहीं है कि दोनों जीत जाएं, एक जीतता है एक हारता है। तो ज़िंदगी में कई सारे शेर ऐसे आपको लड़ते मिलेंगे, और इसका मतलब नहीं है कि जो शेर हार गया वो उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। ठीक है, हार गया, हम फिर प्रयास करेंगे, नहीं है तो हम ट्रैक बदल देंगे। चलिए, अब आपको कुछ अच्छी बात बताता हूँ जिससे आपको सबक मिलेगी। कहते हैं, करण बताते हैं कि साल 2022 में 12 और 13 सितंबर के दिन नीट का एग्ज़ाम था। उस दिन तनाव के कारण उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बुखार आ गया, बहुत तेज़ घबराहट हो रही थी। उनके पिताजी ने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। उसी दिन मेरे पापा ने मुझसे कहा कि नीट इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि खुद को ख़त्म कर लो। यानी ये बात है कि अगर आप कोई लक्ष्य पाना चाहते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो लक्ष्य पाने के लिए आप खुद को ख़त्म कर लें। ज़िंदगी आपको तमाम मौके देती है, उसको आपको भुलाना चाहिए। ऐसे तमाम सारे छात्रों का है, और आपको याद होगा कि छोटी छोटी बातें कभी बड़ी हो जाती हैं। शुरुआत में आपने देखा बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देते हैं, धीरू भाई अंबानी किस तरीके से छोटे से बिजनेस करते थे, आज बिजनेस टाइकून है। फेसबुक की बात कर ले, मार्क जुकरबर्ग एक स्टूडेंट थे, कॉलेज कैंपस के लिए फेसबुक का उन्होंने इस्तेमाल किया कि हम अपने दोस्तों से बात करेंगे, दोस्तों से चैटिंग करने के लिए फेसबुक का बात किया। आज दुनिया में फेसबुक ऐसा कोई मोबाइल नहीं है जिसके अंदर फेसबुक कम से कम इंस्टॉल्ड ना हो। तो छोटी छोटी चीज़ें कब आपको मोटी बातें बना दें कोई नहीं जानता। इसलिए ज़िंदगी से हारना नहीं है, ज़िंदगी से लड़ना है। नमस्कार।